को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आदरणीय ज्येष्ठ मेहमान, नगर वासियों और मेरे प्यारे मित्रगण, आज मुंबई हमले में शहीद हुए सिपाहियों की 11वीं बरसी पर मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखती हूँ। 26 की वह रात तो तब तो मैं जन्मी भी नहीं थी, पर उस घटना का जिक्र अपने किसी बड़े से सुनती हूँ तो डर सी जाती हूँ। पर जब शहीद हेमंत करकरे, शहीद अशोक कामते, शहीद संदीप उन्नीकृष्ण, शहीद तुकाराम ओंबले जी जैसे वीरों की बातें सुनती हूँ कि किस तरह इन्होंने हमारे मुंबई को आतंकियों से बचाया, तब जाकर जान में जान आई और लगा कि ये हमारे असली हीरो हैं, जो हमारी हम सबकी जान बचाते हैं। उनकी बहादुरी की किस्से ही है जो यहाँ मुझे आप सभी के सामने बोलने का साहस दे रही है। उस घटना की बातों में मैं सबसे अधिक प्रभावित हुई हूँ तो वह है श्री तुकाराम ओमले जी, जो 26 की आतंकी रात में शहीद हो गए, वह भी जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आतंकी कस्साब को, जो अपने नापाक इरादों से हमारे देश की शांति व्यवस्था को चुनौती देने आया था। उस समय श्री तुकाराम ओमले जी के शरीर पर ढेरों गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने उस आतंकी कस्साब को वहां से भागने नहीं दिया, उसे पकड़े रखा। पर जब दुर्भाग्यवश गोलियां लगने के बाद उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा साहस, ऐसा शौर्य, ऐसे देश के वीरों के लिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, खुदा को भी उनसे मोहब्बत थी, खुदा को भी उनसे मोहब्बत थी, वतन से मोहब्बत कर ली थी जिन्होंने। अंत में मैं उन सभी शूरवीरों को एक बार फिर से नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।